अभी हाइमो 7 टेक्नोलॉजी मुतारफ हो गई है चाइना में, वो पाकिस्तान में आया भी था लेकिन लोगों के उस तरफ ध्यान नहीं, उसकी आ चुका मालूमत नहीं। है? जी, पाकिस्तान में आ भी चुका है और ये मार्केट में बिक भी चुका है। अभी यहाँ पे आपके सामने हाइमो 6 है 570 वॉट में, ठीक, और इसकी प्राइस है 47 रुपीज पर वॉट की। आप यूँ कह सकते हैं कि 550 वॉट या 590 वॉट, इसके दरमियान जितने भी पैनल हैं जी, ये कभी भी इस रेट तक नहीं गिरे जिस रेट तक इस मरतबा गिर चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जो प्राइसेस चल रहे हैं वो कम तरीन सतह पे है। हाँ, बिल्कुल कम तरीन सतह पर है। एक अच्छी ठीक क्वालिटी नाइट्रॉक्स है सबसे, फिर इसके बाद वेरॉन है, फिर इसके बाद यूकॉन है, और रेट भी इसी तरह है कि सबसे ज्यादा रेट आपको वेरॉन में मिलेगा, नाइट्रॉक्स का मिलेगा, फिर इसके बाद रेट होगा वेरॉन का, फिर सबसे कम रेट होगा यूकॉन का। 24 घंटे पंखे और लाइटें डीसी सिस्टम में फ्री चल जाएंगे इस सिस्टम के अंदर। तो जो पैनल अभी आपको 42 और 46 रुपीज पर वॉट पे मिल रहा है, वो पिछले साल 2023 के बिल्कुल शुरू में जनवरी फरवरी में 120 130 वॉट तक में था। पी टाइप मोनोफेशियल और ये पी टाइप बाईफेशियल है। सही, पी टाइप मोनोफेशियल आपको आज की डेट में ये पड़ जाएगा 46 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 46 रुपीज पर फोर्टी वॉट, फाइव टू 46 रुपीज पर वॉट के हिसाब 45 से 46 मिल जाएगा, मिल जाएगा। जबरदस्त। और बाईफेशियल की तरफ आप जाएंगे तो वो तकरीबन 48 to 49 रुपीज पर वॉट के दरमियान मिल जाएगा। लेकिन एक अकलमंदी ये कहती है कि इंतजार करने में फायदा कम है, लेकिन अगर नुकसान हो तो नुकसान बहुत ज्यादा है। अकल यही कहती है कि आप अभी पैनल उठा लें। जिंको में एन टाइप है, और फिर इसके बाद जिंको एन टाइप बाईफिशियल है, और कैनेडियन में टॉपकॉन नाम से ठीक, एन टाइप बाईफिशियल है। अभी फिल वक्त मेरे पास लॉन्जी हेमोसिक्स है, जिंको पी टाइप है, और JAP टाइप है, जिंको एन टाइप, और सबसे ज्यादा हॉट आइटम जी जिंको एन टाइप बाईफिशियल, इसी तरह कैनेडियन एन टाइप बाईफिशियल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे वालेकुम सलाम, हैं हसनैन? ठीक ठाक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हसनैन। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमारे नए व्यूवर्स के लिए अपना तारुफ करा दीजिए और यहाँ शॉप की लोकेशन गाइड कर दें ताकि हमारे व्यूवर्स आसानी से यहाँ तक परचेजिंग के लिए पहुंच सकें। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है, ANH सोलर में ऑनर हूँ, और हमारी शॉप का एड्रेस ये है सरमद रोड सदर रीगल चौक होटल असमत, दुकान नंबर 4 और 5, ठीक है, अपना कांटेक्ट नंबर ही बता दीजिए। ठीक 03240298538। है, अच्छा ये बताइए हसनैन के वजह क्या है जो मुस्तकिल कंटिन्यू जो है प्राइसेस नीचे आ रहे हैं? सबसे पहली वजह है कंपटीशन, ठीक यानी है, पहले सोलर मार्केट में इतने अफराद नहीं थे इंपोर्टर्स, और इंपोर्ट करना इतना मुश्किल नहीं था। अब इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया है और इतने कंपटीटर्स यानी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इंपोर्ट करने में आ गई हैं, तो वो जब आपस में कंपटीशन शुरू करती हैं तो उसमें रेट फिर जो होता है वो कम होने लगता है। एक आसान रूल है डिमांड सप्लाई, जी यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई और लोगों ने डिमांड से हाथ उठा लिए। जैसे देखा जाए हमने पिछले दिनों में हुआ था कि लोग ये देख रहे थे रेट गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा तब हम जाके खरीदेंगे, इस वजह से ये हो गया कि सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, इस वजह से भी रेट कम हो गए। और एक कंपटीशन इंपोर्टर्स में, दुकानदारों में जब कंपटीशन बढ़ जाता है वो भी जी एक रेट कम होने की वजह होती है। फिर इसके बाद इंटरनेशनली अगर हम जाते हैं तो चाइना में सोलर पैनल के रेट कम हुए हैं, तो ये दो तीन चार वजह है जिनकी वजह से सोलर पैनल के रेट कम नजर आ रहे हैं आपको भी। चाइना में जो सोलर पैनल के प्राइस नीचे आए हैं वो इसकी वजह एक ये भी सुनने में आ रही है कि एक तो इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, दूसरा ये कि यूरोप में भी माल नहीं जा रहा है, क्या ये बात सही है? मेरी मालूमात के मुताबिक चाइना, पहले तो यूरोप तो अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से जी ठीक, ये निकल गया, इन्होंने खुद की प्रोडक्शन शुरू कर दी, फिर आपके अमेरिका ने भी खुद की प्रोडक्शन शुरू कर दी। मेन मसला ये हुआ कि चाइना के यहाँ से गल्फ कंट्रीज निकल गए हैं, और गल्फ कंट्रीज जो है अपनी परचेज जो है वो इंडिया से कर रहे हैं, सही, तो इंडिया को अगर हम ऐसा करें एज अ वियतनाम या ताइवान के चाइना के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, तो उसका फायदा पाकिस्तान को यूं होगा कि चाइना जो है वो एक मार्केट ओन करता है, एक बड़ा डीलर है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो जब इस तरह की कंपटीशन होता है ना तो जो बड़ा बंदा होता है ना वो अपने रेट गिराना शुरू कर देता है सही, ताकि सामने वाला कंपटीटर सर्वाइव ना कर सके। ठीक ठीक है, है, तो चाइना यही कर रहा है, और ये यहाँ तक अभी तक जो रेट है उम्मीद है कि और भी रेट जाए, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमारी आएगी एक्सचेंज रेट में, जो कि डॉलर्स हम परचेज करते हैं, इंपोर्ट जितनी भी होती है पाकिस्तान में वो डॉलर से होती है, तो अगर डॉलर स्टेबल ना रहा और बढ़ गया तो फिर हमें कोई रेट गिरने का कोई खासा फायदा ना होगा। अच्छा,
अच्छा ये बताइए, इम्पोर्टर्स ने जो प्री बुकिंग होती है वो सोलर होलसेल सप्लायर वगैरह के लिए जो की है, उस समय में आ रहा है कि जनवरी फरवरी में मजीद डाउन होंगे इसके प्राइसेस? प्री बुकिंग अभी नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है। वजह यह है कि प्री बुकिंग दिसंबर में आखिरी हफ्ते में आई थी, उसमें रेट आए थे लॉन्ची के 2 जनवरी या 5 जनवरी में 48 हेमोसिक्स के। अब आप देखें, आप यहाँ पे खुला में पैनल यानी पायलट और कंटेनर्स की बात नहीं कर रहा, सिंगल पैनल 47 रुपीस पर वॉट के हिसाब से मिल रहा है। अब जिस बंदे ने प्री बुकिंग से पैसे जमा करवा दिए, एक तो पूरी प्री बुकिंग एडवांस होती है और खुले पैनल की नहीं होती, नहीं एक दो पैनल की नहीं होती, ये तो पायलट की होती कम से कम या कंटेनर की होती है, ठीक है। अब वो पैसे जमा करा रहा है सारे, फिर इसके बाद वो इतना इंतजार भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसके पास ये पैसे होते इन टाइम में तो वो रोलिंग करके और पैसे कमा लेता, तो वो इंतजार कर रहा है फिर पैसे भी जमा करा रहा है, तो फिर उसको कोई खासा फायदा नहीं हो रहा। उल्टा जब उसके हाथ में माल आता है तो उससे 2 रुपए सस्ते में सिंगल पैनल मिल जाता मार्केट से। हाँ ये बात तो सही है। तो अभी प्री बुकिंग जो है वो इतने फायदेमंद नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहा था कि नीचे जाएगा तो ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, बिल्कुल बॉटम पे आ गया। यानी आप यूं कह सकते हैं कि 550 वॉट या 590 वॉट इसके दरमियान जितने भी पैनल हैं जी, ये कभी भी इस रेट तक नहीं गिरे जिस रेट तक इस मरतबा गिर चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जो प्राइसेस चल रहे हैं वो कम तरीन सतह पे है। हाँ बिल्कुल कम तरीन सतह पर है और मजीद और कम होने के चांसेस हैं, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये करता है जब ये काफी ऊपर जम करेगा। अगर आप यूं हिसाब लगा लें कि पर पैनल 6 रुपए से 10 रुपए पर वॉट कम हो सकता है, पर पैनल 3000-5000 का आपको सस्ता मिल सकता है फरवरी तक, हम जाते हैं मान लेते हैं एक बात, ठीक है। लेकिन बढ़ेगा तो बढ़ेगा ये 10 रुपए वॉट से 20 रुपए 30 रुपए वॉट तक भी बढ़ सकता है, क्योंकि बिल्कुल 45, 46, 44, 42, 50 इस तक में, ठीक है। और वैसे ये पैनल जो है ये जब बढ़ते हैं तब ये 80-90 तक पहुंच जाते हैं, ये 40 रुपए पर वॉट बढ़ सकता है। अगर खुदा ना खास्ता कल को डॉलर बढ़ जाता है तो ये पैनल भी ऊपर चले जाएंगे, प्राइस ऊपर चले जाएगी। तो फिर कस्टमर के लिए अकलमंदी ये कि अभी मजीद इंतजार करना चाहे तो कर ले, रिस्क है इसमें ज्यादा, लेकिन एक अकलमंदी ये कहती है कि इंतजार करने में फायदा कम है, लेकिन अगर नुकसान हो तो नुकसान बहुत ज्यादा है। तो अकल यही कहती है कि आप अभी पैनल उठा लें। वजह यह कि बिजली के दाम नहीं गिर रहे, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पेट्रोल नीचे गिर रहा है और भी चीजें बहुत सस्ती हो रही हैं। सोलर सिस्टम में देख लें काफी चीजें सस्ती हो गई, लेकिन बिजली हमारी नहीं गिर रही। बिजली हर 3-2 महीने बाद बढ़ रही है, 2.5 रुपए यूनिट तकरीबन इजाफा हुआ है। तो ये काफी मतलब ये परेशान कुन बात है, उन खुसूसन उन लोगों के लिए कि जिनके पहले 17,000 या 15,000 के बिल आते थे, अब उनके बिल जो है वो काफी 60,000-70,000 किसी के 35,000 तक भी जम कर गए, काफी फर्क आ गया है। काफी फर्क आ गया, तो उनके लिए बेहतर ये कि अभी आप लें, नेट मीटरिंग करवाएं और अभी अभी अपने इससे फायदा उठाएं। नहीं आप जितना लेट करेंगे उसमें देर, अगर आप कल पैनल खरीद लेते हैं और 1 महीने बाद पैनल खरीदते हैं तो 1 महीने तक जो बिजली वो बना रहा था पैनल उससे तो आप महरूम रह गए ना। वही बात आ जाती है, यानी कि कोई एडवांटेज जो मिल रहा है इस वक्त हमारे एंड यूजर को तो उससे फायदा उठाना चाहिए, उससे भी फायदा उठा लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपके पास जो सोलर पैनल है वो कौन कौन से हैं, और क्योंकि आपके पास तो सारे एक ग्रेड पैनल है TR1 के साथ डॉक्यूमेंटेड। अभी फिलवक्त मेरे पास लॉन्जी हेमोसिक्स है जिनको पी टाइप है और JAP टाइप है, जे बायफिशियल है, ये पैनल अभी अवेलेबल है जी। जिनको एन टाइप बायफिशियल, इसी तरह कैनेडियन एन टाइप बायफिशियल, ये कैनेडियन तो अभी आने वाला है या तो इंशाल्लाह आज रात में आएगा या मंडे को आएगा, बाकी ये एन टाइप या एन टाइप बायफेशियल ये इंशाल्लाह दरअसल मंडे ट्यूसडे में अवेलेबल होंगे, ठीक है। जिनको एन टाइप और हेमोसिक्स इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है तो दोनों में वैसे बेसिक फर्क क्या है, क्योंकि एफिशिएंसी के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं कि दोनों ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन जिनको एन टाइप के प्राइस थोड़े से ज्यादा है और हेमोसिक्स के इस वक्त थोड़े से कम है, के बारे में बताएं। मेन वजह एफिशिएंसी नहीं, मेन वजह है सप्लाई और डिमांड है कि हेमोसिक्स बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है और अभी भी हो रहा है, इस वजह से ज्यादा होने की वजह से उसके जो प्राइसेस है वो कम हो गए। एन टाइप जो है वो इतना इंपोर्ट नहीं हुआ पिछले महीनों में और आगे भी इतने जितना हेमोसिक्स अभी तक इम्पोर्ट हो चुका है और होगा उतनी एन टाइप की उम्मीद नहीं है, तो इस वजह से एन टाइप जो है एक तरह से शॉर्टेज में चला गया है, तो उस वजह से उसकी प्राइसेस कम नहीं है। बाकी एफिशिएंसी में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, अगर आप दोनों को सेम वेदर सेम कंडीशंस में लगाएंगे तो
मेरा नहीं ख्याल कि 10.1% से भी ज्यादा एफिशिएंसी में फर्क है, यानी कि सेम एफिशिएंसी आएगी। सेम फिटैब भी लेटेस्ट ही है, हैमो 6 भी लेटेस्ट है। अभी हैमो 7 टेक्नोलॉजी मुतारफ हो गई है चाइना में, वो पाकिस्तान में आया भी था लेकिन लोगों को उसकी तरफ ध्यान नहीं मालूम है। जी जी, पाकिस्तान में आ भी चुका है और ये मार्केट में बिक भी चुका है लेकिन लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से वो उतना चला नहीं। आगे उम्मीद है कि और आएगा। अब इसकी मुझे एफिशिएंसी का कोई इतना खास इल्म नहीं है। वैसे मार्केट में इसको कहीं नजर तो नहीं आ रहा है, अवेलेबल इस वक्त नहीं है, लेकिन ये आपके नवंबर में जी अवेलेबल था मार्केट, नवंबर में था। यस ठीक है। हमारे जो व्यूवर्स कराची से बाहर के जो देखने वाले हैं उनके वो खास तौर पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि क्या आप वो वहां तक सप्लाई दे सकते हैं। सप्लाई का हिसाब किताब ये कि बिल्टीस के थ्रू होता है, ये जिसको हम नॉर्मल उर्दू की जबान में बोले अड्डा, ट्रांसपोर्टर्स के अड्डे होते हैं, ये सप्लाई करते हैं ये पैनल्स। और लेकिन इसमें एक जिम्मेदारी नहीं लेते, जो अपने ट्रांसपोर्टेशन के इदारे जो हैं जी, जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, टूट तो जिम्मेदारी नहीं होती, चांसेस होते हैं टूटने के, लेकिन आप यूँ कहेंगे कि 1% या 2% चांसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि आप कराची से बाहर पे डिलीवरी नहीं दे सकते अभी फिलहाल, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, फोन आते हैं पंजाब साइड पे बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, डिलीवरी देने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन ये कि कस्टमर को ये हो कि यार टूट सकता है, चांस है, इसलिए ये कस्टमर को पता होना चाहिए, और टूटने की सूरत में कस्टमर को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करेगा। सही। ये बताइए कि अभी बहुत से व्यूअर्स हमारे पूछते हैं कि ये जो इसकी लेंथ होती है और इसकी विड्थ होती है, हर पैनल की अलग अलग होती है या सेम होती है? 500 वाली कैटेगरी के पैनल्स की अलग होगी, 400 वाले की अलग होगी, और 300 वाले की अलग होगी, इसी तरह 600 वाले की अलग होगी। 500 वाले पैनल्स की जो कैटेगरीज होती हैं, इनकी तकरीबन लेंथ जो होती है वो 90 इंच हाइट होती है और 45 इंच इसकी चौड़ाई होती है, 90 और 45 ये कह सकते हैं। ठीक है। टीम अवेलेबल होती है, चाहे आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, ऑन ग्रिड लगवाएं, हाइब्रिड लगवाएं, इसी तरह 1 किलोवाट से कम का भी डीसी सिस्टम लगाएं, 10 किलोवाट, 20, 30, 40, 50 जितना भी बड़ा सिस्टम लगाएं, इसके लिए टीम अवेलेबल होती है। बस ये होता है कि इंस्टॉलर्स जिस तब आप सिस्टम लगा रहे हैं जी, तो आपके इलाके के हिसाब से और आपके सिस्टम के हिसाब से हम एक इंस्टॉलेशन टीम से आपकी बात करवा देते हैं जी, और वो फिर आपको टाइम देते हैं, उस टाइम में वो इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। और नॉर्मली हमारे जो नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं जिन्हें नेट मीटरिंग में नहीं जाते, नेट मीटरिंग के अलावा सिस्टम होते हैं नॉर्मल सिस्टम, और इसको आप 10 से 20 किलोवाट के अंदर अंदर 20 किलोवाट से अंदर वाला सिस्टम हम समझ लेते हैं, तो इसकी इंस्टॉलेशन ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर के अंदर 2-3 दिन में हो जाती है। अगर हम ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो पहले स्ट्रक्चर की इंतजार करते हैं, स्ट्रक्चर पहले बनेगा और उसको तकरीबन 1-1.5 हफ्ते का टाइम लगता है, फिर इसके बाद 2-3 दिन में ये इंस्टॉल हो जाता है। नेट मीटरिंग के अंदर भी ये है कि सिस्टम इसी तरह का हिसाब है, मीटर की अप्रूवल के लिए तकरीबन टाइम लगता है 2 से 2.5 महीने। अब 2.5 महीने समझ लें कि मीटर के अप्रूवल में टोटल 2.5 महीने का टाइम लगेगा। अच्छा। के इलेक्ट्रिक से अप्रूव होके या वापडा से अप्रूव होके, अगर आप कराची से बाहर हैं तो वापडा से अप्रूव होके जो मीटर आएगा आपके पास उसको तकरीबन 2 से 2.5 महीने लगेंगे, इतना टाइम लग जाता है। टाइम लगेगा। ठीक है। अच्छा, वैसे सोलर पैनल लगा रहे हैं, एक दफा इन्वेस्टमेंट एक दफा कर लें उसके बाद तो फिर आसानी होती है जाहिर है, फिर जो हम इतने भारी भरकम बिल अदा कर रहे होते हैं तो उसमें कवर हो जाता है काफी चीजें। अब हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे कि इस वक्त दायरे रेट इतने नीचे आए हुए हैं तो इंस्टॉलेशन करवा लेना चाहिए? हाँ, वो बंदे के ऊपर है, जो बंदा चाहे जिस तरह करवा दे। अब बंदों की ताकत के ऊपर भी होता है, हर बंदे अफोर्ड नहीं कर सकता एक साथ पूरे सिस्टम को। ठीक है। ठीक है, तो फिर ये होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप आए, कोशिश करके पहले सोलर पैनल्स खरीद लेंगे, सोलर पैनल्स बिल्कुल सस्ते हैं अभी तो वो पहले खरीद के रख ले, फिर बाद में इन्वर्टर, फिर बाद में बैटरी सबसे आखिर में खरीदे, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास सिस्टम में जो लगती है वो ट्यूबलर बैटरी लगती है या पानी वाली बैटरी लगती है, ट्राई बैटरी तो अब खत्म ही हो गई जी, उसके रेट काफी हाई हो गए, लिथियम बैटरी फिर इसकी जगह लगती है, तो लिथियम बैटरी बहुत कम लोग लगाते हैं। अक्सर सिस्टम में 90% अगर हम कहें छोटे सिस्टम्स के अंदर जी ट्यूबलर बैटरी लगती है, बड़े सिस्टम हो गए तो उसमें या तो बैटरी लगती नहीं है, 90% उसमें बैटरी लगती नहीं जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, और अगर कोई लगाता है बैटरी उस सिस्टम में भी तो लिथियम समय 5% 10% लोग होते हैं वो लगाते हैं, तो हमारी जो ट्यूबलर बैटरी जो होती है इसकी परफॉर्मेंस अगर आप इसको रखें भी रहें तो ये 3-4 महीने में इसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसका DOD परसेंटेज वैसे नई बैटरी का 50% होता है, लेकिन अगर आप इसको 3-4 महीने बाद इस्तेमाल करेंगे
तो ये 50 से 45% तक आ जाएगा BOD, तो वो एक तरह से नुकसानदेह बात है। तो बैटरी आप उस वक्त ही लगाएं, लें खरीदें जिस वक्त आपको सिस्टम लगाना है। बाकी पैनल में इस तरह का कोई इशू नहीं होता, इन्वर्टर में भी इस तरह कोई इशू नहीं होता। आप पैनल लेके 1 साल रख लो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, उसकी जनरेशन में कोई मसला फर्क नहीं आएगा। जिस तरह इन्वर्टर लेके 1 साल रख लो, कोई मसला नहीं आएगा। तो इन्वर्टर और पैनल आप अभी खरीद लो, बैटरी जब आपने सिस्टम लगाना होगा उस हिसाब से खरीद लीजिएगा। ठीक है। अच्छा हसनैन बताइए, आपके पास अभी कौन कौन से पैनल है और इसके प्राइसेस क्या है? अभी यहाँ पे आपके सामने हाइमोसिक्स है 570 वॉट में, ठीक, और इसकी प्राइस है 47 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। 47 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, ये आज की तारीख का, आज के दिन का हिसाब है, आज 6 जनवरी बरोज हफ्ता, ठीक, इसके हिसाब से मैं रेट दे रहा हूँ आपको। तो ये 47 रुपीज पर वॉट, बहुत अच्छे रेट दे रहे हैं आप हमारे व्यूअर्स को। इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताइए कैसी है? एफिशिएंसी के वाले से ये कहें तो अगर हम यूँ कहें कि जब इसको हम सीरीज में लगाते हैं, एक ओपन जी सर्किट होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट में जो है इसके आप अगर वॉट चेंज चेक करेंगे, यानी अगर एक पैनल 570 वॉट को सिर्फ आप शॉर्ट करके इसको आप शॉर्ट सर्किट में इसके वॉट चेंज करें चेक करेंगे तो ये 600 से अबव आपको वॉट देगा। अच्छा लेकिन अब हम इसको लगाते हैं, इसको हम ओपन सर्किट में लगाते हैं, जी यानी दो पैनल को सीरीज करके 4 12 को इस तरह करके, उसमें जो है इसकी एफिशिएंसी जो है ये 10% तक गिर जाती है। अच्छा यानी 570 होगा ना तो 10% गिर जाएगी, ठीक है, ये आपको तकरीबन बना के देगा 520 530 वॉट। कोई भी सही। पैनल हो, अच्छे पैनल जो होते हैं वो 10% तक गिराते हैं, जैसे Tier 1 लॉन्जी और जिंको है। जी इसके अलावा अगर आप Tier 1 में और भी पैनल पे चले जाए तो वो 15% 20% जो नॉर्मल ए ग्रेड का पैनल है वो 20% तक भी जनरेशन गिरा देता है आपके ओपन सर्किट के अंदर। ठीक है जी हसनैन बताइए। जी ये पी टाइप अवेलेबल है, ठीक है, पी टाइप मोनोफेशियल और ये पी टाइप बाइफेशियल है। सही। पी टाइप मोनोफेशियल आपको आज की डेट में ये पड़ जाएगा 46 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 46 रुपीज पर वॉट, 45 to 46 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 45 46 मिल जाएगा, मिल जाएगा, जबरदस्त। और बाइफेशियल की तरफ आप जाएंगे तो वो तकरीबन 48 to 49 रुपीज पर वॉट के दरमियान मिल जाएगा, डबल गिलास। जी डबल गिलास, ठीक है। इसके वॉट भी बता दिए कितने वॉट के? ये 555 वॉट है और ये 545 वॉट है। ठीक है। पी टाइप मोनोफेशियल 555 वॉट अवेलेबल है अभी और 545 वॉट बाइफेशियल अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा इसके हस्ते वॉट और एम्पेयर के बारे में पूछते हैं काफी लोग, तो कितने वॉट है एम्पेयर और वॉट? एम्पेयर अगर हम पैनल का देखें तो 13 एम्पेयर जो नॉर्मली हमारे पैनल्स होते हैं वो उसमें वोल्टेज हाई होते हैं और एम्पेयर कम होते हैं। एम्पेयर हमारे तकरीबन 13 एम्पेयर की तरफ होता है और वोल्ट जो होता है ये 45 से 49 वोल्ट तक होता है, पैनल 49 तक जाता है। जी जी ठीक है। इसके अलावा और कौन सा पैनल है आपके पास? इसके अलावा अभी है नहीं, आने के हैं, जिंको में एन टाइप है और फिर इसके बाद जिंको एन टाइप बाइफेशियल है और कैनेडियन में टॉपकॉन नाम से एन टाइप बाइफेशियल है। ठीक है, ये आने के पैनल हैं। इसके आज के रेट जो हैं वो ये हैं, जिंको एन टाइप बाइफेशियल ये आपको आज के दिन में 54 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा, 54 रुपीज। कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाइफेशियल ये आपको आज के दिन में 51 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मिल जाएगा। ठीक है। जिनको एन टाइप मोनोफेशियल यानी डबल ग्लास वाला नहीं सिंगल ग्लास वाला, ये आज के दिन में आपको मिल जाएगा 52 रुपीज पर वॉट के हिसाब से, 52 रुपीज ये आज के दिन की प्राइस है। जिनको एन टाइप सिंगल ग्लास, जी सिंगल ग्लास, ठीक है। और पीर वाले दिन उम्मीद है, मतलब बहुत ज्यादा कवी उम्मीद है कि इसके प्राइसेस और गिरे। अच्छा हाँ, खुसूसन एन टाइप के और हाइमोसिक्स के चांसेस हैं। हमारे व्यूअर्स को आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज दी है, क्योंकि हमारे जो अगले दायरे हमारी वीडियो आएगी तो उसमें मजीद यानी रेट हमारे कम होंगे। हाँ उम्मीद है कि कम होंगे। ठीक है जबरदस्त। नहीं आपके पास इन्वर्टर कौन कौन से होते हैं बताइए? इन्वर्टर्स में हमारे पास इनवेलस ब्रांड के, जियोनिक ब्रांड के और क्राउन ब्रांड के, क्राउन कंपनी के, इनके इन्वर्टर्स होते हैं। अभी बहुत सारे होते हैं, बास कंपनियों के एक ही किलोवाट के अंदर यानी 3 किलोवाट 5 किलोवाट के अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। सही। जैसे हमारी इन्वेरिक्स की कंपनी है, उन्होंने 3 मॉडल्स रखे हैं बेसिकली हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के लिए। एक कहलाता है नाइट्रोक्स जो कि सबसे टॉप ब्रांड है इसका, फिर इसके बाद आता है वेरॉन, वेरॉन 2, फिर इसके बाद आता है यूकॉन। तो कैटेगरी वाइज ये भी है, यानी सबसे अच्छी क्वालिटी वाइज हिसाब है इसका, सबसे अच्छी क्वालिटी नाइट्रोक्स है, सबसे फिर इसके बाद वेरॉन है, फिर इसके बाद यूकॉन। और रेट भी ऐसी तरह है कि सबसे ज्यादा रेट आपको वेरॉन में मिलेगा, नाइट्रोक्स का मिलेगा, फिर इसके बाद रेट होगा वेरॉन का, फिर सबसे कम रेट होगा यूकॉन का। इन्वर्टर के बारे में तो आपने बता दिया हमारे व्यूवर्स को,
इन्वर्टर्स के जो होता है ना हिसाब किताब ये होता है कि रेट व्यूअर जो भी होते हैं माशाल्लाह समझदार होते हैं जी, एक तो ऑनलाइन चेक करते हैं, फिर इसके बाद जब मार्केट में लेने आते हैं तब मार्केट पे भी 10 दुकानें पूछ के आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कि कोशिश की जाए कि सस्ते की तरफ ना जाया जाए, अच्छी क्वालिटी की तरफ जाए। ठीक है, आप इन्वर्टर ले रहे हैं तो अगर आपको जैसे 1 लाख रुपए का एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर मिल रहा है, बिल्कुल, और एक इन्वर्टर मिल रहा है 1.5 लाख का या 1,70,000 का या 2,20,000 का, अगर 2,20,000 की क्वालिटी अच्छी और आप उसको अरेंज कर सकते हो इतने पैसे कि आप उससे इन्वर्टर खरीद सको 3 किलोवाट का, तो आपको उसकी तरफ ही जाना चाहिए। अब आप 80,000 का लो और फिर बार बार बनवाओ, फिर इसके बाद वो जनरेशन भी आपकी आधी कर दे, ठीक है, तो ये लेना फिर आपकी समझदारी नहीं होगी, एक बेवकूफी साबित होगी, वो जिसका आपको बाद में पता चलेगा कि जब तक आपके 80,000 चलेगा। मैं इस मामले में कंजूसी ना की जाए, हाँ इस मामले में कोशिश की जाए कि जितनी अच्छी खरीदारी आप इन्वर्टर की कर सकेंगे आखिर में वो बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना किया ना करें। अच्छा हसनैन ये बताइए कि अगर हमारे बहुत से व्यूवर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई क्लास इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते, लो बजट से अगर आप हम बताएं अपने व्यूवर्स को कि कहां से कहां तक लो बजट का रखे है कि इंस्टॉलेशन हो जाए और जो बिजली के जो भारी भरकम बिल आ रहे उससे भी जान छूट जाए, तो उसके बारे में जरा बताइए। आप कोशिश करनी चाहिए कि आप शुरू में 1 लाख रुपए अरेंज कर लें, अगर आपने सिस्टम की तरफ बढ़ना है तो उसमें आप डीसी सिस्टम एक अच्छा सा लगा सकेंगे बड़े पैनल के साथ। अच्छा, इसमें बड़ा पैनल होगा एक, अब वो जिंको का ले लें पी टाइप, ठीक है, या जे का पी टाइप ले लें, आप लॉन्जी हेमोसिक्स की तरफ या एन टाइप की तरफ ना जाए, वो महंगा हो, ठीक है, और उसमें एफिशिएंसी का भी 1% फर्क है, जो अकल नहीं बताती कि 1% के लिए इतने पैसे लगाए जाए, 2,500-3,000 रुपए पर पैनल बढ़ाया जाए जी। तो अब एक पैनल आ गया, फिर इसके बाद एक सिमटेक का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ले लें, ठीक है, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की मजीद और भी कंपनीज आती हैं, लेकिन कोशिश की जाए कि सिमटेक और अब तक जो बेहतर चल रहा है वो फैसल चल रहा है क्वालिटी वाइज। अच्छा, फैसल की तरफ आ जाए या सिमटेक की तरफ आ जाए। फिर इसके बाद आपने एक बैटरी लेनी है और बकिया इसके इंस्टॉलेशन वगैरह का जो तार वगैरह स्टैंड होते हैं, तो ये तकरीबन खर्चा जो है तकरीबन आपको 75,000 से 1 लाख रुपए तक रहेगा, तो इससे आपने स्टार्ट करना है। तो उसमें ये होगा कि आपके घर में अगर 2 पंखे 4 पंखे हैं तो इस पे आपको अगर सिर्फ पंखे चलाने और डीसी सिस्टम में चलाने तो 24 घंटे आपके फ्री चल जाएगा पंखे और लाइट। 24 घंटे जी, 24 घंटे पंखे और लाइट डीसी सिस्टम में फ्री चल जाएंगे इस सिस्टम के अंदर। फिर इसके बाद आप आगे बढ़े कि अब आपने एक पैनल ले लिया, तो आप कंट्रोलर ऐसा लिया गया जिसमें 2 पैनल सिंगल बैटरी पे चल सकते हैं, तो आपने 2 पैनल कर लिए, ठीक है। फिर जब 2 पैनल कर लिए तो आपने फिर जाने कोशिश करनी कि मैं अब इन्वर्टर खरीदूं, ठीक है, अब आप वो अपने हिसाब से खरीदें। अगर आपके घर का लोड आपको लगता है कि 1 से 1.5 किलोवाट का है तो आप 2 किलोवाट का इन्वर्टर खरीदें, आपको लगता है 500 से 1 किलोवाट का लोड है मेरे घर का तो आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर खरीदें। फिर इसके बाद करके अब आपके जो बड़े पैनल है वो आपके ठीक नहीं हुए, वो भी अभी काम में है, तो अब आप क्या करेंगे उस इन्वर्टर पे वो बड़े पैनल लगा दें। अब ये कि उस इन्वर्टर्स में ये होता है कि 2 किलोवाट के अंदर नॉर्मली पीवी होती है 3,000, उसमें 6 बड़े पैनल लग जाते हैं, तब उसमें आहिस्ता 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 करके आप पैनल बढ़ाते रहें। तो ये अक्लमंदी है कि आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएं, कि हर बंदे की इतनी ताकत नहीं होती कि 2 किलोवाट वाला या 3 किलोवाट वाला जो नॉर्मली सिस्टम होता है वो बनता है 5 लाख रुपए, बिल्कुल, और 1 किलोवाट का तकरीबन सिस्टम बनता है वो अगर पूरा बनाना चाहे तो वो 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए का, हर बंदे की इतनी ताकत नहीं होती एक साथ इतने पैसे निकाल सकते। ऐसा ही बिल्कुल, 1 लाख रुपए बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मतलब बड़ी अमाउंट होती है, तो वो भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन कोशिश करनी कि आपने एक सिस्टम अगर इस तरह का लगाना है तो 1 लाख का बजट अपने पास बनाए, ठीक है, फिर इसके बाद आप परचेज कर लें। क्या फरवरी तक मजीद रेट नीचे आ जाएंगे? देखिए इसका डायरेक्ट ताल्लुक है ना डॉलर से। अच्छा, अब चाहे रेट डॉलर का आज बढ़े, हसनैन अभी तो डॉलर स्टेबल है, स्टेबल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चाहे डॉलर का रेट पीर को बढ़ जाए, ठीक है, आप बोलेंगे यार पीर को तो माल आया नहीं, माल तो पुराना पड़ा हुआ है, मार्केट का रेट हाई हो जाए, मार्केट का डायरेक्ट ताल्लुक अब डॉलर से हो गया है। पर चाइना की मार्केट में जो इस वक्त डाउन हो रही है, ठीक है, चाइना की मार्केट का आपका जब इफेक्ट पड़ेगा जब आपका डॉलर का एक्सचेंज रेट जी वो कम होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं भाई एक्सचेंज रेट अभी डॉलर का तकरीबन 278 से 280 है, ठीक है, तो अब ये मैं बढ़ा के 330 कर दूं और चाइना में मैं एक पर पैनल के 4 रुपए पर वॉट गिरा दूं तो आपको तो महंगा ही पड़ेगा पैनल, सस्ता कहाँ पड़ा, और महंगा हो जाएगा पैनल ना जी। तो हमारे मुल्क का भी पता नहीं है कि डॉलर का कब बढ़े, अभी जैसे हमें परसों था, परसों के वक्त 282 का था,
कल हम उठे तो हमें 278 की रिपोर्ट मिली। ठीक है, तो अब मसला ये कि पता नहीं कि कब तक बढ़े, इतना लंबा रिस्क लेना, यानी फरवरी तक का रिस्क लेना, ये अकलमंदी नहीं कहलाएगा। हमारे मुल्क में तो होता ही है कि जिस चीज की प्राइस चली जाए ऊपर तो नीचे तो होती नहीं है, और लोग इंतजार ही करते रहते हैं कि भाई प्राइस नीचे आए तो हम परचेजिंग करें। पैनल्स में ऐसा हुआ नहीं, पैनल में इसका वाइस वर्सा यानी उल्टा हुआ है। आप पिछले साल अगर जनवरी की प्राइस निकालें, जनवरी फरवरी में जी, तो जो पैनल अभी आपको 42 और 46 रुपीस पर वाट पे मिल रहा है, वो पिछले साल 2023 के बिल्कुल शुरू में जनवरी फरवरी में 120-130 वाट तक में था। इतना ज्यादा, इतना गया था, तो ये अब नीचे आ गया। हालांकि डॉलर की प्राइस इतनी नीचे नहीं है जितना पैनल नीचे है, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि वजूहात थे जिनकी वजह से वो नीचे आए। मेन वजह जो है वो डॉलर का स्टेबल रहना है, जिसकी वजह से और मजीद गिर रहा है। लेकिन ये कि किसी भी वक्त अगर डॉलर बढ़ जाएगा तो फिर ये रेट ये नहीं रहेगा, मुमकिन है या कभी उम्मीद है कि जैसे ही डॉलर बढ़ेगा इसका रेट काफी बढ़ जाएगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर 5 रुपए या 10 रुपए भी डॉलर पर बढ़े ना जी, तो आप मार्केट का हाल देखिएगा, ये 20 रुपए पर वॉट 30 रुपए पर वॉट महंगा हो जाएगा। ठीक है, आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में आप एक दफा और हमारे शॉप का जो एड्रेस गाइड कर दीजिए। जी, ये शॉप कराची में सदर है, सदर के अंदर रीगल चौक, रीगल चौक में सरमत रोड। ठीक है, सरमत रोड पे आप दाखिल होंगे तो अलसमत होटल में दुकान नंबर G4 A&H सोलर के नाम से। सही, अपना कांटेक्ट नंबर बता दें। 03240298538। ठीक है, बहुत शुक्रिया।